हेलो व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है मेरा फर्स्ट व्लॉग और आज का दिन भी बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मेरा आने वाला है आइल्स के एग्जाम का रिजल्ट। तो आज के दिन से हम अपने व्लॉगिंग करियर की शुरुआत करते हैं क्योंकि इसके बाद तो फिर नई 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 आगे आगे काम आते जाएंगे, वो करते जाएंगे और अपनी पूरी जर्नी को रिकॉर्ड करेंगे। गाइस, मैं अभी नहा धो के फ्रेश होके ऊपर आके बैठ चुका हूँ। ठंड बहुत है आज, तो थोड़ी सी धूप सेक रहा हूँ और देख रहा हूँ कि रिजल्ट आता है कि नहीं आता। टाइम अभी 10 बज चुके हैं, तो सब कहते हैं कि आजकल आइल्स का रिजल्ट है जो वो 10 बजे तक ही आता है, तो देखते हैं फिर कि क्या रिजल्ट आता है। साथ में थोड़ी सी पतंग उड़ाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे पतंग बहुत चलती है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस, जितनी देर तक रिजल्ट नहीं आता उतनी देर तक मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि मेरे एग्जाम में आया क्या क्या था। लिसनिंग जो थी वो थोड़ी सही सही थी, मतलब कि ट्रिकी वाली कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि जो उसका सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट था वो काफ़ी स्पीड में चल रहा था और ज़्यादातर जो उसमें एमसीक्यू थे वो सारे लॉन्ग एमसीक्यू थे, इसलिए उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी मेरे को करने के लिए। बाकी फिंगर क्रॉस्ड है, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। और रीडिंग ईजी थी, इतनी डिफिकल्ट नहीं थी। थर्ड पैसेज डिफिकल्ट था, फर्स्ट सेकेंड पैसेज तो ईजी था। और बात करें अब हम राइटिंग की, तो राइटिंग में भी इजी इजी से टॉपिक था और जो टास्क वन था वो तो काफ़ी इजी था, टेबल वाला आया था और वो कुछ ऐसे था कि यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इंडस्ट्रीज में और कहाँ कहाँ पे होती है, और दो तीन कंट्रीज थी उसमें कि इन कंट्रीज में ऐसे ऐसे वाटर की यूटिलाइजेशन होती है, तो उसमें मेरे वाटर की यूटिलाइजेशन वाला मैंने पहले किया हुआ था। सेम ग्राफ्स तो नहीं थे लेकिन मेरे को सिनोनिम्स वगैरह उसके आते थे और मेरे को पता था कि कैसे सेंटेंस में कंप्लीशन ला के हम कर सकते हैं। तो आई होप सो कि मेरे पहले जो राइटिंग में बैंड आए थे वो मेरे आए थे 5.5, तो इस बार मेरे को लगता है कि 6 बैंड तो पक्के हैं क्योंकि मैंने वो चेक करके देखा था वहाँ पे, जो टास्क 2 था उसको करके मैंने 38 मिनट्स में टास्क 2 कम्प्लीट किया था और उसके बाद फिर मैंने 8 मिनट उस पर और लगाए थे, वो बस इस काम के लिए लगाए थे कि चेक किया था मैंने कौन कौन से सेंटेंस मैंने कैसे कैसे लिखे हैं, और जो मेरे को सेंटेंस लग रहा था कि ये थोड़ा सिंपल सा है उसमें हैव बीन लगा के कम्प्लेक्स उसको कम्प्लेक्स बनाना शुरू किया था। तो अगर हम बात करें स्पीकिंग की, तो स्पीकिंग मेरी टच वुड ठीक ठीक ही हुई है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। हम कह ये नहीं कह सकता कि मेरा जो पूरा पोटेंशियल था जो कि मैं अपनी प्रैक्टिस के टाइमिंग स्पीकिंग करता था वैसी नहीं हुई, क्योंकि उसमें मेरे को क्यू कार्ड भी नहीं मेरे से बोला गया। जो सबसे मेन प्रॉब्लम आई वो थी वहाँ के जो सर आया था मेरे पास, वो ना बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे। और ये बात आप भी ध्यान रखना जब आप भी अपना स्पीकिंग का देने लोगे, तो ये बात को ध्यान में जरूर रखना कि जो वो टीचर्स आते हैं आपके, जो इंटरव्यूटर होते हैं जो आपके स्पीकिंग का टेस्ट लेते हैं, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्होंने आपका इंग्लिश का लेवल चेक करना होता है। तो मैं तो पूरा नर्वस था, मेरे तो पसीने आ रहे थे, तो फिर मैंने जो किया आप भी वो ट्राई कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे जाके जब बैठते हैं तो सबकी हार्ट बीट फास्ट होती है और हम सब नर्वस तो होते ही होते हैं क्योंकि इनफैक्ट हमने 15,000 रुपीस दिए होते हैं टेस्ट के लिए, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। तो आपको क्या करना था, मैंने वहाँ पे जाके मैंने सर से बोला था कि सर कहना है टेक अ 1 मिनट ब्रेक बिकॉज माई हार्ट बीट इज सो फास्ट। तो उन्होंने कहा कि इट्स ओके, आप रिलैक्स करो। तो 1 मिनट बाद फिर उन्होंने पूछ लिया था कि शैल वी कंटिन्यू, तो मैंने बोल दिया हाँ सर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो फिर मैंने आगे स्पीकिंग की, फर्स्ट पार्ट मेरा सही से हुआ, सारे आंसर रेलिवेंट दिए थे और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे थे मेरे से, खास करके मैंने आज तक सुने नहीं किसी से कि रिलेशनशिप्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सिंगल हो, अगर सिंगल हो तो फिर आप सिंगल क्यों हो, आप रिलेशनशिप में क्यों नहीं हो, आप तो आपकी एज भी 18 हो गया आजकल, तो लोग ज़्यादा जो हैं वो 18 के प्लस जो 14-15 वाले भी हैं वो भी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो फिर आप 18-20 ईयर्स के हो गए और आप रिलेशनशिप में क्यों नहीं हो, तो ऐसे वाले सवाल पूछे थे। लेकिन मैंने उनका जवाब दे दिया था, 1-2 लाइन में देना होता है फर्स्ट पार्ट में, तो वो ईजिली हो गया मेरा। उसके बाद जो बात आई सेकेंड पार्ट में, जो क्यू कार्ड आया मेरे को वो काफ़ी ट्रिकी सा था, उसमें मेरे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, उसमें मैंने अच्छे से नहीं बोला और मैंने जो स्टोरी बनाई वो भी मैंने ऐसे ही घसी पिटी सी स्टोरी बना दी। मेरे को पता है कि मैंने अच्छी नहीं बनाई, लेकिन फिर मेरे को ये रियलाइज हो गया था कि मेरा क्यू कार्ड सही नहीं हुआ। जब थर्ड पार्ट पे आए तो थर्ड पार्ट पे फिर मैंने अच्छे से आंसर दिए, पूरा एक्सप्लेन किया, तीन तीन
चार चार पांच पांच सेंटेंसेस बना बना के, जब तक कि वो पूरा सेटिस्फाई मेरे को उसकी आंखों में दिख नहीं रहा था कि अपने एग्जामिनर की कि वो सेटिस्फाई हो रहा है, उतनी देर तक मैं बोलता ही गया। जब मेरे को पता चल गया कि हाँ बस हो गया, तो फिर मैं चुप करता था। और बाद में जो स्टार्टिंग में जो कनेक्टर्स होते हैं वो आप यूज़ करना, मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि स्पीकिंग जब देते हैं तो उसके लिए जो स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, जो कहते हैं कि जो हमें थिंकिंग के लिए टाइम चाहिए होता है, जैसे कि सर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो हमने बोल दिया एज फार एज आई नो इन माय ओपिनियन आई थिंक दैट इट वुड बी दिस, तो ऐसे करके आप अपना दे सकते हो। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कर सकते हैं। तो गाइस यही था मेरा सारा जो मेरे को एग्ज़ाम में आया। अब देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आता है। 11 बज चुके हैं, अभी तक मेरे को कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। मैंने अभी IDB की साइट पे जाके भी चेक किया लेकिन वो भी रिजल्ट नहीं दिखा रहे। वैसे मेरा रिजल्ट कल आना था लेकिन उन्होंने बोला था कि ड्यू टू वो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आपका रिजल्ट डिले होगा और 10 तारीख तक आएगा, और 10 तारीख हो चुकी है, अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो मेरे को लग रहा है कि आज तो आ ही जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा डिले वो करते नहीं हैं। मैंने काफ़ी यूट्यूब की वीडियो भी देखी और वो तो इनफैक्ट ऐसे भी बोलते हैं कि जब मैंने अपने टीचर से पूछा कि मेरा अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो वो कहते हैं कि जो बच्चे ज़्यादा मतलब होते हैं ना, जिनका रिजल्ट ज़्यादा बैंड आते हैं होते हैं जिनके, तो उनका रिजल्ट डिले करते हैं वो, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि सारा फ्यूचर तो भाई इसी पे डिपेंड है। अगर फर्स्ट पार्ट ही नहीं क्लियर होगा तो हम आगे कैसे कर सकते हैं। तो गाइज 2 बज चुके हैं और अभी मेरे को जस्ट अभी मैसेज आया है कि आपका IDP का रिजल्ट आ चुका है। मैंने अभी तक देखा नहीं है, अभी देखूंगा मैं और चेक करके फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया है। तो गाइज रिजल्ट बड़ा मस्त आया। जो लिसनिंग में मेरे को डर था, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बोला कि मेरी लिसनिंग अच्छी नहीं हुई थी, उसमें मेरे बैंड्स आए हैं 7.5 बैंड्स लिसनिंग में आए हैं, 6.5 मेरे रीडिंग में आए हैं, 6.5 ही मेरे स्पीकिंग में आए। इसका मेरे को सबसे ज़्यादा डर था। मेरे को लग रहा था कि स्पीकिंग में तो मेरे को वो 5 बैंड देके ही निपटा देगा मेरा काम, लेकिन अच्छे बैंड दे गया वो। उसको समझ लग गया था कि मेरी इंग्लिश किस लेवल पर है, इसलिए मेरे को लगता है कि वो मेरे को अच्छे बैंड दे गया। और जो बात करते हैं राइटिंग की, वो तो मैंने पहले आपको बता दिया था कि 6 बैंड तक की मेरी राइटिंग आएगी, इससे ज़्यादा मेरे को चाहिए भी नहीं। अपनी प्लस टू हुई है, प्लस टू के बेस पर हमने फाइल लगानी है। 6 बैंड इज गुड, ओवरऑल हमारे 6.5 बन गए। अब कोई भी यूनिवर्सिटी और कोई भी कॉलेज हमें ये नहीं बोलेगा कि आपके बैंड कम है और आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो गाइज अभी रिजल्ट आ गया हुआ है और फैमिली का रिएक्शन भी बहुत सुपर आया है। सबके ऐसे हो, दादी की तो आंखों में आंसू आ गए कि अब मेरा जो पोता है वो बाहर चला जाएगा। तो अभी सबके रिएक्शंस तो बड़े अच्छे आए हैं, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैंने अपना फ़ोन जो था वो कोविड में डाल लिया था। तो अभी हम चलेंगे, बाहर चलेंगे, थोड़े से बाल बुल कटवा के आएंगे। यार कैब के बिना बाहर भी नहीं जाया जाता, बाल सारे खराब हुए पड़े हैं, इतने बड़े बड़े हुए। ये हमने मन्नत मांगी थी कि अगर IELTS का रिजल्ट तब तक नहीं आएगा तब तक हम बाल नहीं कटवाएंगे, तो आज फिर बालों का बलिदान देंगे क्योंकि बड़े बड़े हो चुके हैं बाल। तो अभी जाके कटिंग करवा के आते हैं, थोड़े से अच्छे बनते हैं और फिर रिजल्ट तो आ चुका है तो फिर आज घूमने फिरने चलते हैं। और उसके बाद में फिर हम जाएंगे, कल से हमारा एजेंटों के पास जाना शुरू हो जाएगा। अलग अलग एजेंटों से जाके पता करेंगे कौन कौन से कॉलेज में है। अभी वैसे चल तो दिसंबर रही है, तो मेरे को लगता नहीं है कि मेरे को मई टेक मिलेगा क्योंकि वो ऑलमोस्ट फुल हो जाता है। ऐसा मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं यूट्यूब पे। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ में, आपको नहीं समझ लग रही कि हम कैसे कर सकते हैं, तो उसका सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि आज हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने जो हमारे डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए। तो आप YouTube में जाके वीडियो सर्च करो, हर चीज़ की वीडियो है वहाँ पे, तो आप देख लोगे कि पानी कैसे पीते हैं, तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो फिर आपको ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें क्यों नहीं मिलेंगी। वैसे मैं भी आपको आगे आगे वीडियोस में ये बताता रहूँगा कि कैसे मेरा सारा काम चल रहा है, फाइल कैसे लगाई, क्या क्या एजेंटों ने बोला, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम कैसे डील कर सकते हैं। तो ये सब देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही मेरी जर्नी आगे कंटिन्यू होती जाएगी। तो अभी कल से स्टार्ट होगी और आगे आप देखेंगे कि कैसे हम अच्छे बच्चे बनते हैं। तो
थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं इससे अगली वाली वीडियो में बनाऊंगा कि हम रीडिंग में कैसे अच्छे बैंड स्कोर कर सकते हैं। और फिर आप मेरे को कमेंट करके बता दो अगर आपको किसी भी आइल्स के टेस्ट के मेड्यूल में कोई डाउट है या आपको कोई टिप्स चाहिए, क्योंकि जो मेरी रीडिंग हुई थी मेरी रीडिंग में काफ़ी अच्छे बैंड्स आए हैं, और मैंने देखा है कि ये वाली ट्रिक्स जो मैं अपनाता हूँ अगर आप वो अपना लोगे, अगर आप वैसे रीडिंग करनी शुरू करोगे तो आपके सिक्स बैंड तो कहीं नहीं गए, बड़े मज़े से आएंगे। और मैंने अपने सेंटर में अपने फ्रेंड्स को भी बताया था कि आप ये ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, और कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो कि रीडिंग में मास्टर्स करवाते हैं, मतलब कि वो आपको रीडिंग में बैचलर करवा देंगे कि आपको रीडिंग ऐसे लगेगी कि बड़ी ईजी चीज़ है। सच में होती भी ईजी है, बस ये है कि हमारे दिमाग में ना वो एक चीज़ बैठी होती है कि रीडिंग बड़ी मुश्किल है। तो अगली वीडियो वो बनेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें उस वीडियो को देखने के लिए। उस वीडियो को देख लेंगे तो मैं 101% श्योर हूँ कि आपके रीडिंग में सिक्स, ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि आपके एट बैंड आ जाएंगे, नाइन बैंड आए, जितने मेरे आए हैं उतने तो आ ही जाएंगे, 6.5-7 तक चले जाएंगे, सिक्स तो कहीं नहीं गए, सिक्स तो पक्का है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं हम अगली वीडियो में जो कि हम बनाएंगे रीडिंग पे, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखें, और अगर आप इंडिया में हैं तो फिर तो मास्क पहनेंगे तो लोग आपको घूर के देखेंगे, और अगर आप फॉरेन कंट्री में हैं तो आप मास्क पहन के रखें। बाय बाय।